रोनित बेसिकली पुणे की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता है और रोनित ने एक कंपनी में अप्लाई किया था जो दिल्ली बेस्ड थी और उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया है उसको कंपनी स्विच करनी थी हायर पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है और अब रोनित दिल्ली शिफ्ट होने वाला है दिल्ली शिफ्ट होने के लिए उसको चाहिए फ्लैट तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है तो रोनित ने ऑनलाइन अपनी पसंद के कुछ फ्लैट ढूंढ के रखे थे अब उसको सिर्फ दिल्ली पहुंचना था और जाकर सिर्फ फ्लैट को फाइनलाइज करना था रोनित ने अपने फ्लैट पसंद कर लिए थे और अब उसको बस फिजिकली फ्लैट को जाके देखना था तो रोनित एक सोसाइटी में पहुंचता है वहां पर जो फ्लैट ओनर थे वो थे मिस्टर खन्ना वो उनसे मिलता है मिस्टर खन्ना से मिलकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है उनका नेचर उसे बहुत पसंद आता है और वो सोसाइटी को भी बहुत उसको सोसाइटी को बहुत पसंद आती है कि उसमें सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ थी उसमें जिम था पूल था बैडमिंटन कोर्ट था और भी जो सारी फैसिलिटीज़ होती है सब कुछ था अच्छी सोसाइटी वो लग रही थी तो रोनित ने फाइनलाइज कर लिया उसी फ्लैट को एक और बात थी कि जिसके जो, जो लैंड थे जो ऑनर थे वो उसी फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर वो भी रहते थे तो इस तरह से फाइनलाइज हुआ नेक्स्ट डे ही रोनित उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गया अब रोनित का रोजाना का शेड्यूल सुबह नौ बजे के आसपास उसको निकलना होता था और दिल्ली का ट्रैफिक आप जानते हैं आते आते उसको साढ़े आठ नौ तो बज ही जाते थे एनी हाउ जब से वो वहाँ शिफ्ट हुआ था लोग उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखा करते थे जैसे नए गांव में ऊंट आ जाता है सुना आपने कभी जब कहाँ जिसने कहीं ऊंट नहीं देखा उस नए गांव में जब ऊंट आता तो है तो नज़रें अलग होती है लोगों की तो ऐसे ही उसको लोग बड़ी अजीब सी नजरों से देखा करते थे तो उसे लगता था कि शायद वो यहाँ नया शिफ्ट हुआ है इसलिए लोग उसे इस तरह से देखते हैं खैर चीजों को उसने नज़रअंदाज किया एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था सुबह सुबह ऑफिस तो पार्क के जो सोसाइटी का पार्क गार्डन होता है उसके पास से गुजर रहा था तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे उनको देखते देखते उसको अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे वो भी वहाँ खेला करता था थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक के बच्चों को देखने लग गया तो जब वो रुका हुआ था तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज करीबन चार पाँच साल के आसपास रही होगी वो उसके पास भागती हुई आती है और पूछती है अंकल अंकल क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो तो उसने कौन एक्सपेक्ट करेगा उसने बोला नहीं बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाया लेकिन मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लाऊंगा अच्छा ठीक है इतना कह के वो लड़की वापस से चली जाती है ऑफिस जाना है वो निकल जाता है ऑनलाइन से काम बहुत आसान हो जाता है ऑनलाइन तो तो शॉपिंग तो अगर आप पैसे बचा कैश करो, तो करो इंडिया की सबसे बड़ी कैश बैक ऐप है जिसको खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया हुआ है कैश करो ऐप के ऊपर आप सारे डिस्काउंट कूपन लगा दो उसके बाद भी आपको अपटू थर्टी परसेंट तक का कैशबैक मिलता है ओवर फिफ्टीन वेबसाइट्स एंड मेनी ब्रांड्स अमेजॉन मिंत्रा जो भी आप वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं ना सिर्फ कपड़े ना सिर्फ शूज ग्रॉसरी तक की शॉपिंग के ऊपर भी आपको अप टू थर्टी परसेंट तक का कैशबैक मिलता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर चलती है रोजाना 12 पीएम के ऊपर फ्लैश सेल जिसमें आप और ज्यादा डिस्काउंट उठा सकते हैं बहुत ह्यूज डिस्काउंट उस फ्लैश सेल के अंदर आपको मिलता है तो जितना लूट सकते हो लूट लो क्योंकि डील का नाम ही लूट डील होता है और एक और चीज मैं आपको बता दू ये कैशबैक सिर्फ आप वेबसाइट पर यूज नहीं कर सकती और रियल कैश की तरह है आप इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं

करनी है ऑर्डर प्लेस करना है और पेमेंट करना है जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको अपना कैशबैक कैश करो ऐप की माई अर्निंग सेक्शन के अंदर दिख जाएगा और वहां से आप उस कैश को अपने अकाउंट में डाल सकते हैं या फिर आप उसे अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं इतना ही नहीं यहां पर एक गिव अवे भी है आपको कुछ नहीं करना है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आपको डाउनलोड करना है या फिर आपको साइन अप करते टाइम प्रिंस 25 कोड यूज़ करना है उसके बाद आपको अपनी फेवरेट वेबसाइट से शॉपिंग करनी है पेमेंट करना है अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है हमारा जो फर्स्ट लकी विनर होगा उसे मिलेंगे बोट के ब्लूटूथ स्पीकर फाइव लकी विनर्स को मिलेंगे अमेजोन के थाउजेंड रुपीज के गिफ्ट चलिए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं रोनित ने अपने फ्लैट्स पसंद कर लिए थे और अब उसको बस फिजिकली फ्लैट्स को जाके देखना था तो रोनित एक सोसाइटी में पहुंचता है वहाँ पे जो फ्लैट ओनर थे वो थे मिस्टर खन्ना वो उनसे मिलता है मिस्टर खन्ना से मिलकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है उनका नेचर उसे बहुत पसंद आता है और वो सोसाइटी को भी बहुत उसको सोसाइटी को बहुत पसंद आती है उसमें सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ थी उसमें जिम था पूल था बैडमिंटन कोर्ट था और भी जो सारी फैसिलिटीज होती है सब कुछ था अच्छी सोसाइटी वो लग रही थी तो रोनित ने फाइनलाइज कर लिया उसी फ्लैट को एक और बात थी कि जिसके जो लैंड थे जो ऑनर थे वो उसी फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर वो भी रहते थे तो इस तरह से फाइनलाइज हुआ नेक्स्ट डे ही रोनित उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गया अब रोनित का रोजाना का शेड्यूल सुबह नौ बजे के आसपास उसको निकलना होता था और दिल्ली का ट्रैफिक आप जानते हैं आते आते उसको साढ़े आठ नौ तो

पार्क के जो सोसाइटी का पार्क गार्डन होता है उसके पास से गुजर रहा था तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे उनको देखते देखते उसको अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे वो भी वहाँ खेला करता था थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक के बच्चों को देखने लग गया तो जब वो रुका हुआ था तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज करीबन चार पांच साल के आसपास रही होगी वो उसके पास भागती हुई आती है और भूलती है अंकल अंकल क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो तो कौन एक्सपेक्ट करेगा उसने बोला नहीं बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाया लेकिन मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लाऊंगा अच्छा ठीक है इतना कह के वो लड़की वापस से चली जाती अपना खेले लग जाते हैं रौनित को भी आता है कि उसको ऑफिस जाना है वो निकल जाता है फिर एक दो दिन के बाद ही एक दिन रौनित जब ऑफिस से आता है तो वो कोई पार्टी वार्टी की वजह से वो लेट हो जाता है तो रात को करीबन साढ़े ग्यारह पौने बारह के आसपास रौनित वापस सोसाइटी में पहुँचता है पहुँच के अपनी गाड़ी पार्क करता है और लिफ्ट पे पहुँचता है साढ़े ग्यारह पौने बारह तक ऑलमोस्ट सोसाइटी में सब सो जाते हैं दिल्ली ये भी नवंबर के आसपास का टाइम था बढ़िया सर्दी होती है सर्दी में तो लोग पहले ही नौ दस बजे के आसपास ही अपने घरों में घुस जाते हैं तो सोसाइटी ऑलमोस्ट पूरी खाली पड़ी हुई थी बहुत एक दो लोग ही सोसाइटी के अंदर घूम रहे थे उसने लिफ्ट का बटन दबाया जनरली क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था लिफ्ट को बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था लेकिन लिफ्ट को ऊपर वाली फ्लोर से नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक तो आने में ही दस मिनट लग गए उन्होंने तो समझ में आया क्या चल रहा है खैर जैसे ही लिफ्ट आई वो लिफ्ट में घुसा तो जैसे वो लिफ्ट में घुसा तो वही छोटी वाली बच्ची जो गार्डन में उसको तो भागती उसके पास में आती है लिफ्ट के अंदर और बोलती है अंकल आप आज लाए तो मेरे चॉकलेट लाया तो रोनित बोलता है रोनित बोलता अरे बेटा आज क्या मैं बहुत लेट हो गया तो मैं भूल गया था मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आऊंगा तो बोलते अच्छा ठीक है अंकल कोई बात नहीं अब रोनित को ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी छोटी सी बच्ची रात को साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे घूम रही है इसके मम्मी भी पापा कहाँ आए उसका ध्यान क्यों नहीं दे रहा है उसने उसे पूछा कि बेटा तुम अकेले क्यों घूम रही हो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं तो बोलता है वो बोलती मैं उनके पास ही तो जा रही हूँ तो बोलता अच्छा तुम मम्मी पापा के पास जा रही हो बोली हाँ अच्छा बताओ तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है मैं तुम्हें तो छोड़ देता हूँ बोलती मेरा फ्लैट नंबर है सिक्स जीरो इतना सुनते हीरो ने तो दिमाग खराब हो गया सिक्स जीरो सिक्स वो नहीं सोचता ये तो मेरा फ्लैट है ये कैसे हो सकता है अच्छा छोटी बच्ची है शायद कुछ गलती से बोल दिया होगा तो उसने सिक्स फ्लोर दबाया और वो अपनी ही कैलकुलेशन पता नहीं इस बच्चे ने शायद गलती कर दी होगी उसको तो अपना फ्लैट नंबर ठीक से याद नहीं होगा तो जैसे ही फ्लोर सिक्स फ्लोर पे पहुंचती है डिंग एलिवेटर का जो वो बीप होता निकलता है गेट खुलता है बाहर निकलता है बाहर निकल के घूमता है और जैसे ही वो घूम के पीछे देखता है पीछे घूमते हुए बोलता है अच्छा बताओ बेटा तुम्हारा तो फ्लोर लिफ्ट खा दी रोनित का दिमाग खराब हो जाता है बच्ची एकदम से कहाँ गायब हो गई तो थर था कॉँपने लगता है बड़ी मुश्किल से पूरे कॉरिडोर लाइट जली हुई थी वो लिफ्ट में एक पैर रखता है अंदर जाकर चाहते थे देखता है वो बच्ची कहीं नहीं थी कि मैं सही तो मतलब मैंने जो देखा वो सब कुछ सही तो है चुपचाप निकलता है भारी सर्दी के अंदर रोनित पसीने पसीने समझ में आता कि ये क्या हुआ क्या आप समझ सकते हैं आप अभी एक बच्चे के साथ लिफ्ट में आए थे उसने वही फ्लैट बताया जिसमें आप रहते हो और जैसे लिफ्ट का दरवाजा ओपन हुआ वो बच्ची वहां से गायब थी को समझ आ तो चुपचाप भागता हुआ अपने फ्लैट की तरफ जाता है रौनिक अपने फ्लैट के डोर के सामने खड़ा था और उसके ऊपर गोल्ड अक्षरों में साफ साफ सिक्स जीरो सिक्स लिखा हुआ था जो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था एक्चुअली उसके साथ जो हुआ उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा था कौन कर सकता है उसका दिमाग ख़राब हो चुका था वो सीधा जाता है फ्रेश होता है और जाके सो जाता है रात को दो बजे के आसपास उसकी आँख खुलती है बहुत तेज उसे प्यास लग है लगता है किसी ने उसकी बॉडी से पूरा वाटर खींच लिया हो तो उठता है खांसते हुए जाता है किचन के अंदर फ्रिज का डोर खोलकर पानी पीने लगता है तो जैसे वो पानी पी रहा होता है फ्रिज की रोशनी में फ्रिज के है ना जो डिम लाइट होती है उससे उसको वो सीधी डस्टबिन की तरफ जा रही थी डस्टबिन में उसको कुछ चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए दिखाई देते हैं मेरे घर में चॉकलेट क्योंकि तो कभी चॉकलेट खाता ही था तो फिर से घबरा जाता है फ्रिज का गेट बंद करता है फटाफट से हॉल की लाइट ऑन करता है और देखता है तो डस्टबिन के अंदर कोई चॉकलेट रैपर नहीं था क्या हो रहा है आज मेरे साथ उसको समझ में नहीं आता वो बड़बड़ाते हुए जाता है और वापस जाके सो जाता है उसको लेटे हुए शायद पांच से सात मिनट भी होते हैं तभी अचानक उसको एक अजीब सी आवाज आना शुरू होती है उसको ऐसा लगता है जो उसके आसपास कोई अपने हाथ में चॉकलेट लेके घूम रहा चॉकलेट का रैपर ले रहे आप जब चॉकलेट के रैपर को लेकर घूमते हो तो चॉकलेट के रैपर को क्रश करने की जो आवाज़ आती है वो आवाज उसको बार बार आ रही थी अपने बेड पर खड़ा होता है चारों तरफ देखता है कोई नहीं था लेकिन वो आवाज़ अब भी आ रही थी वो बड़ी हिम्मत करके फटाफट से हॉल की लाइट ऑन करता है और जैसे वो लाइट ऑन करता है वो आवाज़ आना बंद हो जाती है अब रौनित में इससे अल्ह झेलने की हिम्मत नहीं थी वो चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाता है पूरे घर की लाइट ऑन करता है और लाइट ऑन करके ही वो सो जाता है रोनित सुबह उठता है और जो भी कुछ उसके साथ रात में हुआ उन सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं जाकर खन्ना जी से इसके बारे में बात करूँगा लगा कि अगर कहीं मेरा वहम हुआ तो खन्ना जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ हाँ मैं उनसे ये बात कहूँगा वो मुझ पर हंसेंगे और चल ठीक है हो सकता है थोड़ा पार्टी वार्टी में ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से भी मेरा इलूजन हो उसने चीज़ को इग्नोर कर दिया नेक्स्ट डे रोनित मतलब उसी दिन नेक्स्ट शाम को रौनित थोड़ा जल्दी आ गया था और जल्दी आ गया नौ बजे के आसपास ही वो सो गया अभी रोनित को सोए हुए कई दो घंटे के आसपास सो गए तभी फिर से उसे वापस वही कल की तरह चॉकलेट के रैपर की आवाज आने लगी जैसे कोई घूमते हुए उसके आसपास है ना वही चॉकलेट के रैपर को क्रश कर रहा हो उसकी आवाज उसकी आँख खुली अभी रोनित के रोनित का जो फोन था वो उसके पिलो के जस्ट नीचे ही था तो रोनित फटाफट से अपना हाथ पिलो के नीचे डाला और फोन को निकाल के जैसे उन्हें फ्लैश ऑन की फ्लैश लाइट गिरते से सामने वही लड़की खड़ी थी उसे चॉकलेट मांग उसको देख बहुत तेज चिल्लाया और बिल्कुल उस समय में चला गया वो लड़की उसके साथ सामने ही खड़ी हुई थी वो कुछ बोल नहीं रही थी और उसके हाथ में वही चॉकलेट का रैपर था जो जिससे वो आवाज़ करी थी ऐसे ऐसे करके और उसको सामने बिल्कुल बिल्कुल आप सोचो आपने लाइट लड़की उसके सामने खड़ी हुई है रौनित के विंडो से हल्की हल्की लाइट आ रही थी पूरी सोसाइटी की लाइट क्योंकि जल रही थी आस पास की लाइट तो उसने बड़ी हिम्मत करके फटाफट से उस स्विच बोर्ड की तरफ और जैसे वो लाइट जलाने वाला था उसके कान में एक आवाज आई लाइट मत जलाना लाइट मत जलाना इतना सुनते ही रौनित के पैरों के तले जमीन के सक गई रौनित ने फिर भी हिम्मत की जैसे वो लाइट का स्विच ऑन करने वाला था उसके हाथ को जोर से काटा जोर से काटते ही रौनित बहुत तेज चलने लगा और फिर से उसके कान में आवाज आई बोला था ना लाइट मत जलाना रौनित का हाथ बहुत तेज दर्द कर रहा था उसको समझ में आ गया था वो बुरी तरह से मतलब कहीं ना कहीं फंस चुका वो भागने लगा जैसे ही भागने लगा उसको ऐसा फील हुआ कि ने उसके दोनों पकड़ पैरों को पकड़ के खींच लिया है खींचते ही वो जमीन पे गिरता है सीधा मुंह के बल उसकी नाक से ब्लड आने लगता है तब गिर लगता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे को तो इस फ्लैट में आना नहीं था मैं तुम खन्ना जी की बातों में यहाँ पे आ गया हूँ मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो और वो उठ के जाने लगा तो जैसे वो उठ के जाने लगा तो उसके पीछे किसी के सांस लेने की आने लगी जैसे वो जो भी बोल रहा है वो उसको पसंद नहीं है फिर रौनित ने और कोशिश की उठ जाने की तभी उसको वापस से आवाज आई ये घर हमारा है ये घर हमारा है इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता तुम आए थे अपनी मर्जी से लेकिन अब इस तरह से उसको एक आवाज सुनाई रौनित घबरा कर फिर से भागने की कोशिश करता है और सोफे से टकरा कर नीचे गिरता है और वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के बाद रौनित की आंखें खुलती है उसको, उसको उसके खुलती, उसके सामने जैसे उसकी आंख खुलती है उसकी आंख एक आवाज से खुलती है लेकिन इस पर आवाज कुछ अलग थी जैसे उस आवाज के डायरेक्शन में उठकर देखता है तो ऐसा लगता है कि कहीं वो पहुंच जाए मूवी चल जाता है सबको सीन अलग हो रखा होता है उसके सामने डाइनिंग टेबल पर तीन लोग बैठे होते हैं वो बच्ची जो उसे चॉकलेट मांगने थी और एक लेडी और एक आदमी जो कि शायद माँ बाप होंगे और आपस में हंस खेल के बातें कर रहे थे चॉकलेट मत खाया करो इतना बोलते अचानक से उनकी डोरबेल बजती है डोरबेल बजती रोहित को रोहित को लगता है की जैसे वो डॉलो की तरफ घूमता है दरवाजे की तरफ उससे पहले उस लड़की के जो फादर है वो गेट खोल देते हैं वहां पहुंचकर और वहाँ से एक और तीसरा आदमी अंदर आता है उस तीसरे आदमी की शक्ल रन को दिखाई नहीं दे रही थी वो तीसरा आदमी अंदर आता है वो उन लोगों के साथ वहाँ बैठता है और इन तीनों में आपस में कोई डिस्कशन होना शुरू होता है धीरे धीरे ये डिस्कशन झगड़े के अंदर तब्दील हो जाता है और जो वो उस बच्चे के माता और पिता थे वो दोनों उस आदमी से लड़ना शुरू करते हैं और उससे एक ही बात बोलते हैं कि ये घर हमारा है और तो तीसरा आदमी उन दोनों को शांत करवाते हुए पानी पीने के लिए गिलास देता है और जैसे वो लोग पानी पीते पानी एक दो मिनट के बाद ही उनके मुंह से झाग निकलना शुरू होते हैं उस आदमी ने उनके पानी में जहर मिला दिया था और वो उस बच्ची को अपने पास बुलाता है और उसका सोफे पर बिठा के उसका मुँह तकिए से दबा देता है और इस तरह से उन तीनों की वहाँ पर डेथ हो जाती है और जैसे ही वो आदमी घूमता है रौनित को उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई देती है वो आदमी कोई और नहीं उसका अपना लैंडलॉर्ड जो था खन्ना जी पोथे ये देखते ही रौनित का दिमाग खराब हो जाता है और वो जैसी था उसी हालत में उठकर वो भागता सीधा खन्ना जी के फ्लैट की तरफ ऊपर चढ़ के और खन्ना जी के गेट फ्लोर के बहुत तेज पीटता है वो इतना तेज पीटता है कि आसपास के लोग भी उठकर वहाँ पर आ आते हैं और जैसे सब लोग वहाँ पर आते हैं तो बोलता है कि खन्ना जी पता नहीं पता नहीं मेरे फ्लैट में बहुत अजीबी चीज़ हो रही है आप प्लीज वहाँ पर चली तो उसकी चोटें देख उसकी हालत देख सभी लोग उसके साथ उसके फ्लैट की तरफ जाते हैं सभी लोग उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं फ्लैट पर पहुंचते हैं वो एक बहुत अजीब चीज दिखती है कि पूरी सोसाइटी की लाइट आ रही है इवन कॉरिडोर तक की लाइट आ रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैट की लाइट नहीं आ रही है रौनित इतना सब होने के बाद भी उसमें हिम्मत थी वो उस फ्लैट के अंदर एंटर करता है जैसे फ्लैट के अंदर वो एंटर करता है उस अंधेरे में भी उसको साफ साफ वो तीनों दिखाई दे रहे थे रौनित के पीछे पीछे उसके साथ खन्ना जी एंटर करते हैं और जैसे खन्ना जी एंटर करते हैं उस लड़की के माँ बाप के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है उस मुस्कुराहट को देखते ही रौनित पीछे की तरफ घूमता है और वो खन्ना जी को रोकने वाला होता है तभी अचानक ही पता नहीं कैसे खन्ना जी का पैर फिसलता है और वो सीधा सेंटर टेबल के ग्लास रखे जो सेंटर टेबल होती है ना उसके रखा हुआ जो ग्लास ग्लास जाके टकराते हैं और टकराते उनका सिर फूटता है और जैसे उनको लगती है उनकी एक चीख निकलती है और अचानक से वापस लाइट जल जाती है लाइट जलते देखते खन्ना जी का सिर फट गया है और पूरा खून ही खून हो रखा सभी लोग खन्ना जी को लेकर वहाँ से भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ और आधे एक घंटे के बाद वहां से न्यूज आती है कि खन्ना जी की डेथ हो गई रवनित तो समझ गया था कि इस फैमिली ने अपना बदला खन्ना जी से ले लिया है फिर उसने आसपास के लोगों से पता किया तो उसे पता चला कि एक्चुअली इस फैमिली ये जो फैमिली थी इसमें बेसिकली इस खन्ना जी का भतीजा ही था इसका नाम विशाल खन्ना था विशाल खन्ना जी के ऊपर बहुत भरोसा करता था और खन्ना जी के कहने पर ही उसने ये फ्लैट फ्लैट लिया था का पूरा पेमेंट करने के बाद क्योंकि वो भरोसा करता था उसने रजिस्ट्री अमाउंट खन्ना जी को ही दिया और उनसे कहा कि आप इसकी रजिस्ट्री करवा देना सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने दे दिए थे तो खन्ना जी के मन में लालच आ गया उन्होंने धोखेबाजी करके फर्जरी करके ये फ्लैट भी अपने ही नाम करवा लिया फिर विशाल अपनी फैमिली के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ उसकी वाइफ और उसकी पांच साल की बेटी के साथ और वो यहाँ रहने लगा थोड़े टाइम के बाद उसको पता लगा कि फ्लैट तो उसके नाम पर है ही नहीं खन्ना जी ने उसके साथ धोखेबाजी करके फ्लैट अपने नाम करवा लिया उसके बाद उसके खन्ना जी से बहुत तेज लड़ाई हुई पूरी सोसाइटी के सामने उसने खन्ना जी को धोखेबाज कहा बहुत गालियाँ दी बहुत जलील किया इतनी बे शायद कभी किसी की हुई हो उसके बाद से इन दोनों फैमिलीज के अंदर बोलचाल बंद हो गया लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनके बीच में वापस से चीज़ें ठीक हुई खन्ना जी और विशाल आपस में बात भी करने लगे और उसके कुछ टाइम बाद ही पता नहीं क्यों विशाल और उसकी फैमिली है ना विशाल ने विशाल उसकी वाइफ ने जहर खा के अपनी जान दे दी और अपनी बेटी को भी मार दिया सच्ची कहानी ये नहीं थी रौनित ये जानता था कि लोगों को कुछ नहीं पता है असली सच्चाई रौनित को ही पता थी रौनित एक जरिया बना इन लोगों के लिए ताकि ये अपनी जो डेथ थी उसका मारा गया था उसका वो बदला ले सके तो लोगों ने बताया कि उसके बाद दो साल तक खन्ना जी ने इस फ्लैट को किसी को किराए पर नहीं दिया उसके बाद तुम ही सीधे इस फ्लैट के अंदर आए हो तो रौनित को जब ये बातें पता लगी तो उसको समझ में आई कि क्यों लोग उसको जब वो शिफ्ट हुआ तो घूरा करते थे ऐसी नज़रों से देखा करते थे कि आज उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी लेकिन कैन यू बिलीव रौनित अब भी उसी फ्लैट में रह रहा था और अब वो कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखता था वो ध्यान रखता था कि जब भी वो घर के अंदर है वो पूरी लाइट जला के रखता था और दूसरा घर के अंदर वो बहुत सारी चॉकलेट्स ला के रखता था ताकि वो जो पाँच साल की छोटी बच्ची से चॉकलेट्स बहुत पसंद थी वो उन चॉकलेट्स को जब इच्छा हो तब यूज़ कर सके सो अगर आप भी अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले तहकीक़ात अच्छे से कर लेना कहीं पता पड़ा कि आप रात को सो रहे हो और आपसे भी कोई चॉकलेट मारने आ जाए तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग